हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। फ्रेंड आप लोग हमारे लिए दुआ करिए, भगवान हमें अच्छे से दे दे, कुछ भी दे दे। बहुत ज़्यादा हम दुख में जी रहे हैं फ्रेंड, क्या बताएं आप लोग से। आप लोग के लिए ब्लॉग वीडियो इसलिए बना रहे हैं, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। हम आज कई दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, जो कि अभी तक हमारी डिलीवरी हुई नहीं है। टाइम डॉक्टर ओवर बता रहे हैं, और दो तीन जगह जाके मैं दिखाई, देख लो हमारी सारी रिपोर्ट यहाँ पे है। जब से मैं यहाँ गुड़गांव में आई तब से 3 अल्ट्रासाउंड करा चुकी हूँ फ्रेंड। दो कराई हूँ प्राइवेट का और एक कराई हूँ सरकारी का फ्रेंड, जो कि 3 अल्ट्रासाउंड में 3 तरह के डेट दिए हैं। क्लियर अभी कुछ नहीं है। एक में पहला जो कराई 6 महीने में, उसमें 16 तारीख को दिए हैं। दूसरा जो कराई उसमें 3 तारीख को दिए हैं। कल के डेट में जो कराई फ्रेंड उसमें 8 तारीख को दे दिए हैं। नर्स को दिखाई फ्रेंड, वो चेक करी, बोली तुम्हारा 16 दिन का टाइम ओवर हो रहा है। इतना ज़्यादा टेंशन है, क्या करूँ फ्रेंड, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। कल का सारा दिन रोते रोते मेरा बीत गया। कल रात 9 बजे फिर से गई चेकअप करा के आई, बोली यहाँ एडमिट हो जाओ, बच्चा होने का कोई चांस अभी तक दिख नहीं रहा है फ्रेंड। हमें दर्द बिल्कुल नहीं है, हम बोले हमें दर्द नहीं है कोई, अभी कैसे एडमिट हो जाओ। आप लोग देख लीजिए हमारी सारी रिपोर्ट यहाँ पे है, और एक तो ये हो गई, इसके साथ है फ्रेंड वाली थोड़ा बहुत। एक ही जगह तो कराए थे, पिछली बार भी जहाँ कराए अल्ट्रासाउंड वहीं अब की बार भी कराए। बीच में जो हुआ वो सरकारी अस्पताल से करवा लिए फ्रेंड, जो कि फ्री में किया था। देख लो आप लोग इतना दिक्कत में हम चल रहे हैं फ्रेंड, क्या बताएं। दो दो बच्चे हमारे हैं, देख लो आप लोग, एक यहाँ पे बैठी है, एक वहाँ पे बैठी है फ्रेंड। आप लोग देख लीजिए हमें इतना ज़्यादा टेंशन होता है, सारी दिमाग में घुटन इसीलिए होती है हमारी। दो बच्चे की भाग्य से हमें भगवान जिंदगी दे दे। जुड़वा मेरे हुई थी फ्रेंड, हम बहुत दिक्कत से गुजरी हूँ, क्या बताऊँ आप लोग के, याद करके मैं रोना ही याद कर, क्या करूँ। इन लोग को मैं पालन पोषण कैसे की फ्रेंड हम ही जानते हैं। वो दिन याद आता है फ्रेंड, आँख से आंसू रोकते हैं तब फिर भी नहीं रुकता फ्रेंड, क्या बताएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत से हम इन दोनों को इतना बढ़ गई हूँ, अभी तक दवा से चलती है। आप लोग दुआ करिए हमारे लिए, जो ओवर टाइम ना हो, ऊपर वाले अच्छे से दे दें। एक हफ्ते का टाइम दिए हैं फ्रेंड, जो कि अभी एक हफ्ता इंतज़ार सोच रहे हैं कर लें। अगर कोई दिक्कत आ जाए बीच में तो हमें जाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ओवर जा रहा है तो दिखाते रहो, डॉक्टर की सलाह से काम करो, अपने मन से ना करो। हम भी सोच रहे हैं जो डॉक्टर कहेंगे हम वही करेंगे। इतना ज़्यादा पेट निकला है फ्रेंड, काम बताएं, बहुत दिक्कत होती है उठने बैठने में, लेकिन सारे काम हम खुद से अभी तक करती हूँ, ज़बरदस्ती करती हूँ जो कर पाती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल का कार्ड है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिए, जो कि वहाँ पे ऐसे ही कार्ड बनाते हैं। एक ही बना, एक जब स्टार्टिंग में मैं आई वहाँ गई तब बना था।
रात में तो इमरजेंसी में दिखाने के लिए तो इसको बनवाना पड़ा। जब टाइम ओवर सुने तो जैसे लगा शरीर में जान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। हमारे साथ जितने लोग थे सबको टेंशन होने लगा, फ्रेंड क्या करें कैसे करें। साइलेंट हो गया। हम आए फ्रेंड अपने बड़ी वाली दीदी के यहाँ, जो कि अपने रूम से यहाँ चली आई हूँ। यहाँ से थोड़ा ही दूर पड़ता है हॉस्पिटल, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बच्चा लेके यहीं रुकी हूँ, रात या दिन कोई प्रॉब्लम हो तो हम पास ही में रहें, जल्दी से पहुँच जाएं। आप लोग हमारे लिए कभी अच्छे से हो जाए। उसका रख दो बेटा, रख दो। देख लो फ्रेंड हम किस हालत से गुजर रहे हैं, कैसे अपने ऐसे दिनों रात सुबह और शाम और फ्रेंड जब तक डिलीवरी हो नहीं जा रही तब तक हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखने वाले सब लोग कहते हैं तुम्हारा दिन जो है करीब आ गया है, अब होने वाला है, अब हो जाना चाहिए। इसी से मैं और घबराहट होने लगती है, क्या करें जब दिन करीब आ गया तो हो क्यों नहीं रहा है। दर्द उठना चाहिए, दर्द भी नहीं है और कोई दिक्कत प्रॉब्लम दिखने कुछ ही नहीं अभी दिख रहा है। पेट के हिसाब से नर्स भी बोली और सब सारे लोग बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक हफ्ते के टाइम दिए हैं, एक हफ्ते में ऊपर वाले भगवान हमारी मदद करिए। करूँ कल हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था फ्रेंड, नेट, इसलिए मैं कल का वीडियो नहीं डाली। वीडियो क्या डालती, मैं टेंशन में थी कि कुछ मन नहीं कर रहा था, सारा दिन मैं खाना नहीं खाई। सुबह के थोड़ा सा नाश्ता करके रूम से निकली, सारे दिन ऐसे टेंशन में गुजर गया था। तसल्ली कब मिली जब रात 9 बजे गए इमरजेंसी में दिखा के आई, वो नर्स बोली अगर तुम्हें एडमिट होना हो तो हो जाओ, अभी थोड़ा सा चांस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बोले अगर हमारी डिलीवरी आज से कल तक हो जाए तो हमें एडमिट करो, नहीं तो नहीं। तो बोले कि तुम्हारी मर्जी, क्या हम भगवान थोड़ी हो जाएंगे, दर्द उठेगा तो डिलीवरी हो जाएगी। हम बोले चलो ठीक है, अगर दर्द की बात है तो हम जा रहे हैं रूम पे, जब रूम पे दर्द होगा तब हम आएंगे। अभी तक दर्द नहीं हुआ, फिर हम गए नहीं वहाँ पर, अब वेट कर रहे हैं एक हफ्ते का, देखो क्या होता है कैसे होता है। आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग दुआ करिए हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, बहुत परेशान करती हैं दोनों।
आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे लिए दुआ करिए। बाय बाय फ्रेंड।